नमस्ते दोस्तों, आई एम बैक विद सीए फाउंडेशन पेपर रिव्यू। आज दोस्तों सितंबर 2024 सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर था। आई एम वेरी कंफर्टेबल पेपर, वेरी वेरी गुड पेपर, बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, वैसा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चंस बहुत कंफर्टेबल हैं। कई क्वेश्चंस तो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल से छाप के दिए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। चलो दोस्तों एक फटाफट पेपर का रिव्यू ले लेते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। ये मतलब अपना स्कोरिंग पेपर मानेंगे इसको, इवन नॉट वेरी लेंथी, कंफर्टेबल पेपर, 3 घंटे में आराम से ख़त्म हुआ होगा बच्चों का। अच्छा चलो सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फॉल्स दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट्स हम बैलेंस नहीं करते, हम ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देते हैं। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू। फॉल्स दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर पुट टू यूज़ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट NRV इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। यस दोस्तों, कंजर्वेटिज्म बोलता है शुड वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। प्रॉमिसरी नोट इज कैन बी मेड पेएबल टू बेयरर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर। नाउ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ NPO फॉलोज अक्रूअल कॉन्सेप्ट। फॉल्स दोस्तों, रिसीट एंड पेमेंट में अक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनकम एक्सपेंडिचर में अक्रूअल कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। फॉल्स दोस्तों, हम उसको कैपिटल के साथ साथ गुडविल का शेयर भी देते हैं, कैपिटल गुडविल के साथ साथ रिजर्व का शेयर, रिवैल्यूएशन का शेयर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ सब दिया जाता है। तो खाली कैपिटल अकाउंट थोड़ी लेगा, वो सब लेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। अब आप बाकी तो थियोरी तो लिख सकते हैं। नाउ दोस्तों, अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखेंगे तो ये अपना मेथड नंबर 2 वाला रेक्टिफिकेशन है, यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। काफ़ी कंफर्टेबल क्वेश्चन लग रहा है। ये भी बोल रहा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 500 रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए वर एंटर्ड इन सेल्स बुक पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो आप, ये गुड्स रिटर्न्ड है, गुड्स रिटर्न्ड बाय मतलब दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न को सेल्स डे बुक में डाल दिया, मतलब इसका आपका करेक्ट एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, बट इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, ए टू सेल्स। लेकिन जब पोस्ट कर रहे थे ना, उसने आप कस्टमर को ए को क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली ए को तो क्रेडिट ही करना चाहिए था, काट साट के ए में कोई प्रॉब्लम नहीं, ए इज़ ऑल राइट। तो आपको रेक्टिफाई कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा जो गलती से क्रेडिट हुआ है, सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करना पड़ेगा 500 500, और एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमारे दोस्त सस्पेंस जी को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। बहुत अच्छा, 250 entered in sales return book has been posted to debit of R who returned the goods. अब देखो, sales return book में entry क्या pass करते हैं, sales return account debit to R, कितना amount है 250। अब गड़बड़ क्या हुआ है, R को credit करना था, R को debit कर दिया, मतलब wrong side चला गया। और आपको पता है, जब भी आप wrong side चले जाते हैं रेक्टिफिकेशन करने के टाइम, आपको करेक्ट साइड डबल अमाउंट लेना पड़ता है। तो बच्चों, आपने आर को गलती से क्रेडिट की डेबिट किया है, तो आप आर को क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 500 से, और एंट्री ख़त्म करने के लिए हमारे दोस्त लेके आएंगे सस्पेंस जी को। बहुत बढ़िया, सिंपल अकाउंटिंग है। सेल्स ऑफ 700 मेड टू क्यू वॉज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफिस। अब देखो ये क्या है, सेल है, ठीक है, सेल्स बुक में करेक्टली गया, हाँ, इसका मतलब है एंट्री क्या पास हुआ होगा, क्यू टू सेल्स, बहुत बढ़िया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको जब पोस्ट कर रहे थे, एस को डेबिट कर दिया, कितना अमाउंट 70। तो एक तो आपने, ये आपका करेक्ट एंट्री है, आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, आपने एक तो एस को डेबिट कर दिया और 700 की जगह बच्चों 70 डेबिट कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट भी रॉन्ग है, अमाउंट भी रॉन्ग है, तो आपको इसको कैसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बहुत आसान है, लेट्स डू रेक्टिफिकेशन। आपको ध्यान से देखो कैसे करना पड़ेगा,
एस को आपने गलती से डेबिट किया है तो आप एस को क्या कर देंगे, 70 से क्रेडिट कर देंगे, और सही अकाउंट क्यू को बच्चों डेबिट कर देंगे, लेकिन आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होने की वजह से आपको बाकी 630 रुपीज़ किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, हमारे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर दोस्तों? आई एम ट्राइंग डूइंग इट वेरी फास्ट एंड रैंडमली पेपर उठा के पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ही बैठे बैठे पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। उम्मीद है आई विल नॉट मेक एनी क्लेरिकल एरर्स, बट इफ़ एनी प्लीज़ प्लीज़ एडजस्ट। सो दिस इज़ ऑल डन। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक फॉर सेप्टेम्बर वॉज नॉट पोस्टेड। देखो डिस्काउंट अकाउंट कॉलम का टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट करते हैं, ठीक है, और वो पोस्ट करना भूल गए, बहुत टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। सो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेक्टिफिकेशन, अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ रेक्टिफिकेशन दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था वो था BRS का। अब BRS का इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस, मतलब कैश बुक में डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपको सीधा सीधा ही सोचना है, सीधा सीधा ही प्लस माइनस करना है, ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तो आपको क्या करना है, अभी ध्यान देखेंगे, डिविडेंड ऑफ 18,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हमारा ये जो कलेक्शन है कैश बुक में आ गया, पासबुक में आ चुका है, तो पासबुक देखो हमें पहुंचना कहाँ है, पासबुक, तो पासबुक अगर ऊपर है तो हम प्लस करके पहुंचेंगे, पासबुक नीचे है तो माइनस करके पहुंचेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक यूज़ करेंगे। तो ये कलेक्शन पासबुक में आने की वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा तक पहुंचना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चेक वॉस इशूड टू सुरेश 1470 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 14870। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये चेक इशूड है दोस्तों, ये इशूड का मतलब है ये क्या है, हमारा पेमेंट है। अच्छा पेमेंट हमारा 14780 की जगह पे 14780 की जगह पे 14870, इसका मतलब है 90 रुपीज़ का आपने ज़्यादा पेमेंट बुक किया है कैश बुक में। बहुत सिंपल है, अगर कैश, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पास, तो कैश बुक में अगर आपने ज़्यादा पेमेंट बुक किया है, मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और पासबुक ज़्यादा है, तो पासबुक ज़्यादा तक पहुँचना है तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे, लेकिन कितना अमाउंट करेंगे प्लस, 90 रुपीज़ प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया। चेक टोटलिंग 55,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड। ये बच्चों कलेक्शन है, ये कलेक्शन किस में आया है, ये कैश बुक में आया है, पासबुक में नहीं आया, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है पासबुक कम है, तो कैश बुक टू पासबुक नीचे जाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 55,000 रुपीज़। तो बहुत बढ़िया, ये प्लस 18,000 करना पड़ेगा। अच्छा फोर्थ नंबर एंट्री आप देखेंगे, मेडिक्लेम प्रीमियम 14160 पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन। ये एक पेमेंट है जो पासबुक से चला गया है, तो इस पेमेंट का पासबुक बैलेंस कम हो गया है, उस तक पहुंचना है तो माइनस 14160। बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन दिया है, देखें आज को आगे कुछ गड़बड़ है तो। गुड्स अमाउंटिंग टू 160 वर सोल्ड टू अजय इन नवंबर, डिपॉजिटेड चेक ऑन 15 दिसंबर। ध्यान देना, आफ्टर डिडक्टिंग 4% ऑफ कैश डिस्काउंट एंट्री वॉज मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। मतलब हम BRS कौन सी डेट को बना रहे हैं, डेट्स का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम 31 दिसंबर को BRS बना रहे हैं, तो ये नवंबर का सेल है और चेक 15 दिसंबर जमा हो गया डिस्काउंट काट के, मतलब 15 दिसंबर डिस्काउंट काट के 160,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 4%, 4% से 6,400, इसका मतलब है 160,000 माइनस 6,400, 153,600 का एक कलेक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मिस्ड, इट इज़ मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग दी कैश बुक। अब बच्चों अगर आपका ये मिस हुआ है तो इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का ज़्यादा है तो प्लस करके वहाँ पहुँचेंगे, प्लस करेंगे 153,600। ओके बैंक चार्जेस 150 स्किप्ड इन कैश बुक, ये भी पेमेंट है
जो पासबुक में ये पेमेंट है, जो पासबुक में है, पासबुक का बैलेंस कम है, माइनस करेंगे 150। देखो मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, मैं कैसे बीआरएस में सोचता हूँ, हमें कहाँ पहुँचना है, पासबुक कैशबुक से पासबुक पहुँचना है, तो पासबुक अगर ऊपर है कैशबुक से, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है तो प्लस करके पहुँचेंगे, पासबुक कम है तो माइनस करके पहुँचेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बीआरएस करने का तरीका सबका अलग होता है, दिस इज़ माई मेथड ऑफ डूइंग इट। हरी रिसीव्ड यूपीआई 1000 नॉट एंटर्ड, ये कलेक्शन है जो पासबुक में आया है, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है तो बच्चों प्लस कर देंगे 1000। चेक्स अमाउंटिंग टू 180 इशू ड्यूरिंग द मंथ इश ऑफ 144 वन प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ, इसका मतलब है 180 में से 144 प्रेजेंट हो गए, मतलब क्लियर हो गए, मतलब वो कैशबुक में भी आ गए, पासबुक में भी आ गए, बाकी 36,000 के चेक अभी क्लियर नहीं हुए, मतलब कैशबुक में है पासबुक में नहीं है, तो 36,000 पेमेंट कैशबुक में एक्स्ट्रा है, मतलब कैशबुक का 36 बैलेंस कम, पासबुक का उतना बैलेंस ज़्यादा, तो प्लस करके हम पहुँचेंगे पासबुक तक, क्योंकि पासबुक का बैलेंस है ज़्यादा। दोस्तों बस प्लस माइनस कर दो, आपका बीआरएस कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अब ये जो है ना अकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन है, इसमें लेजर बोला है जर्नल एंट्री सेजल के बुक्स में। चलो, हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल, मतलब सेजल कौन है, ड्रॉवी। अब दिक्कत वाली बात है, चलो ठीक है, ड्रॉवर के बुक्स में अच्छा लगता है ड्रॉवी, लेकिन ड्रॉवी भी ड्रॉवर बनता है एकोमोडेशन में, सेकंड बिल में। 60,000 का बिल है, 1123 फॉर 3 मंथ्स, सेजल एक्सेप्ट्स बिल, सेंड इट बैक टू हैरी टू गेट डिस्काउंटेड फॉर 56,000। हैरी रेमिट्स 1/4 टू सेजल ऑन ड्यू डेट, हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट। तो दोस्तों पहला बिल जो है वो 60,000 का है, 56 का है। अब आप इसमें शेयरिंग देखेंगे, इसमें मैं थोड़ा पेज ऐड करता हूँ बच्चों, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे वी हैव वन पर्सन हैरी, हैरी एंड सेजल। अब पहला बिल जो है ना 60,000 का है, जिसको 56, तो पहला बिल जो है आप बोल सकते हैं हैरी इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल एंड सेजल इज द ड्रॉवी ऑफ द फर्स्ट बिल, ठीक है। अब 4,000 का डिस्काउंट काट के 56। अच्छा, इसमें शेयरिंग क्या है, 1/4, मतलब 1/4 बोला तो 14,000 वॉज गिवन टू सेजल, तो 1,000 डिस्काउंट भी सेजल को देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द शेयरिंग द फर्स्ट बिल इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये फर्स्ट बिल शेयर हो गया, उसका कैश भी शेयर हो गया। अच्छा, रादर उस ड्यू डेट पे 3 महीने का कितना टाइम था, 3 महीने का, लेकिन 3 महीने के बाद हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट द बैलेंस टू सेजल, रादर एक्सेप्ट अ बिल। तो सेकेंड बिल में क्या हुआ, सेजल बिकेम ड्रॉवर, सेजल बिकेम ड्रॉवर इन सेकेंड बिल, एक मिनट, एंड हैरी बिकेम ड्रॉवी इन सेकेंड बिल, लेकिन सेकेंड बिल का अमाउंट थोड़ा इन्होंने ज़्यादा रख दिया, 80,000 का सेकेंड बिल बनाया। अब सेकेंड बिल क्यों बनाया, क्योंकि फर्स्ट बिल को ऑनर करने के लिए पैसा नहीं था, तो सेकेंड बिल के थ्रू फर्स्ट बिल ऑनर करेंगे, तो सेकेंड बिल डिस्काउंट किया इन्होंने 74,600, तो 75 मतलब 5,400 का डिस्काउंट है, करेक्ट, 80,000 माइनस 74,600, सो 5,400। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये डिस्काउंट काट के अमाउंट रिसीव्ड है। अच्छा, इन्होंने इसमें से फर्स्ट बिल पे किया, पहले फर्स्ट बिल पे किया, क्योंकि फर्स्ट बिल सेजल को पे करना था, हैरी ने उसको पैसा देना था 3/4, हैरी ने उसको पैसा नहीं दिया, सेजल ने सेकंड बिल ड्रॉ किया। अच्छा, अब क्या हुआ, बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, 3/4 अब द अमाउंट वॉज रिमेनिंग अमाउंट वॉज सेंड टू हैरी। तो अब आप देखो, फर्स्ट बिल इसमें से पे किया, 74,600 में से फर्स्ट बिल अगर आप पे करते हैं 60,000 का,
द बैलेंस कम्स टू 14,600। और इसने क्या बोला, इसका 3/4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स टू 10,950 कैश दे दिया सेजल ने किसको, हैरी को। और बहुत ही सिंपल रूल लगाएंगे हम लोग, अगर 3/4 कैश दे रहे हैं तो 3/4 डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, और हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है 5400 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 और ये हो जाएगा 4050। मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने एंट्रीज तो लिखी होंगी। अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया मतलब आपका सेकंड बिल का शेयरिंग, देखो इसमें ना सेकंड बिल का शेयरिंग में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सेकंड बिल में 60,000 का फर्स्ट बिल का पेमेंट के बाद जो बैलेंस बचा 3/4 हैरी को दे दिया, प्लस डिस्काउंट का 3/4 भी हैरी को दे दिया। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे स्टोरी क्या बोलती है। अच्छा, सेकंड बिल का मैच्योरिटी होने तक क्या हो गया, हैरी बिकेम बैंकरप्ट, ही स्टेट पेइंग 40 पैसे एन ए रुपी। अब याद रखना फर्स्ट बिल गॉट सेटल्ड, अब सेकंड बिल ही पेंडिंग है, सेकंड बिल 80,000 का है, याद रखना सेकंड बिल 80,000 का है, 80,000 का 3/4 हैरी के पास है, ठीक है ना। अब आपका सेटलमेंट की मैं बात करता हूँ, सेटलमेंट में हैरी हैज 60,000 टू पे टू सेजल, क्यों, क्योंकि सेकंड बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि हैरी गॉट इंसॉल्वेंट, तो वो सेकंड बिल का पैसा सेजल ने क्लियर किया। अब शेयरिंग 1/4 एंड 3/4, 3/4 हैरी का है, मतलब सेकंड बिल का 3/4 60,000 हैरी के पास है, 60,000 वो सेजल को देने वाला है, बट हैरी इंसॉल्वेंट हो चुका है, ही विल पे 40% इन 40 पैसे इन अ रुपी, बट ही पेड हाउ मच, 40% दैट इज हाउ मच, 24,000 टू सेजल, एंड बैलेंस 16,000 क्या बुक करेंगे बच्चों, बैड डेट्स बुक करेंगे। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन मैंने दे दिया, अकाउंटिंग एंट्रीज तो आपकी बहुत ही आसान और सिंपल अकाउंटिंग एंट्रीज है, मेन बच्चों को डिफिकल्टी होती है इसमें कैलकुलेशंस में। चलो तो ये भी एक अच्छा कंफर्टेबल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाला है नहीं। अच्छा, ये आपका फाइनल अकाउंट्स है, मुझे लगता नहीं इसमें मैं अकाउंट बनाऊंगा, हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब डेटर्स में बहुत अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों, ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड हम सेल्स में से लेस करेंगे, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस, एडवर्टाइजमेंट, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में आता है ये पीएनएल में, इंश्योरेंस पीएनएल में, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल। अब बैड डेट्स और डिस्काउंट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में बस एक ही अच्छी पॉइंट डाल के रखी है इंस्टीट्यूट ने, वो बैड डेट्स और डिस्काउंट, तो मैं उस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करता हूँ, क्योंकि उसमें ना आरडीडी, ये देखो आपको बैड डेट्स दिया है और इस बैड डेट्स को हम बोलते हैं ओल्ड बैड डेट्स, तो आपके इसमें ओल्ड आरडीडी भी दिया है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा, डिस्काउंट रिसीव ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्टमेंट्स भी ठीक हैं, क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट दे देंगे, एक रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट है, रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 3 lakhs, इट वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो दोस्तों परचेज में से लेस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर देंगे, बट दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एडिशन। अच्छा, अब इसमें एक खाली दिक्कत है, आपका जो नया मशीन खरीदा वो उसका डेट ऑफ परचेज नहीं मालूम है, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप देखो डेप्रिसिएशन रीड करते हैं, प्रोवाइड 5% पर एनम ऑन फर्नीचर, 10% ऑन मशीनरी एंड मोटर वैन। अब एक बात ध्यान करना, इसमें ना गेम है थोड़ा, अब कोई अलग अलग टीचर्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, इसमें गेम क्या है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल फाइंड दैट आपके पर एनम लिखा है किसमें, फर्नीचर में, बट आपके मशीन में पर एनम नहीं लिखा है, खाली 10% लिखा है, मतलब मशीन में अपने को देखना ही नहीं डेट ऑफ परचेज, लगा देना सीधा 10%, तो मतलब अपने को दिक्कत ही नहीं कि कभी खरीदा। हाँ, कोई बोलेगा नहीं नहीं
पर एनम अज्यूम करना है, ठीक है ना, मैं एग्री करता हूँ, वो भी एक ओपिनियन राइट है। तो बच्चों फिर वहां पे क्या होगा ना, फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी कभी खरीदा ये अज्यूम करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द ईयर में नॉर्मली वी अज्यूम इन द मिड ऑफ द ईयर। अगर आप मिड ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे तो नया मशीन पे जो 5 लाख, 3 लाख, कितना है, 3 लाख का है, उस पर हाफ ईयर का डेप्री लगेगा। सो दिस देयर विल बी सम डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ऑल ओपिनियंस आर फाइन विथ अजम्पशंस रिटन इन द पेपर। बहुत बढ़िया, मोटर वैन का भी 10% लगा देंगे। बट इसमें एक और अच्छी, सबसे अच्छी बात क्या है, लास्ट के 3 एडजस्टमेंट्स, एक में है इसमें न्यू बैड डेट्स है, उसके बाद बच्चों न्यू RDD है, और इसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस करने बैठूंगा तो हमारी, चलो बैलेंस शीट ही बना लेते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, उसमें हम लोग जरा डेटर्स ले लेते हैं। मैं जरा डेटर्स को ही खाली दिखा देता हूँ, हमारे डेप्टर्स डेटर्स कितने हैं भाई, 4,57,000 के डेटर्स हैं। और अपने को पता है कि हमें इसमें से पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करने हैं, जो कितने के हैं, 7,000 के हैं, ठीक है। तो आपको 4.5 लाख डेटर्स मिलेंगे, उसमें से आप फिर क्या माइनस करेंगे बच्चों, न्यू RDD। अब आपके 4.5 लाख में 5% है, नहीं कि अमाउंट दिया है, अरे क्या बात है, अमाउंट देके रखा है, क्या टेंशन ही नहीं है, कितना बढ़िया एग्जामिनर है, 4,20,000। हाँ, फिर हम इसमें क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। अब हम 2% न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करेंगे, और अब कैसे करेंगे, 4,20,000 का 2%, 8,400 ये माइनस कर देंगे दोस्तों। तो 4,20,000 में से 8,400 माइनस करके आपका नेट बचेगा 411,600। ऑल राइट, अच्छा, लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात है, आप इसको PNL में कैसे दिखाएंगे, मैं जरा यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं जरा यहाँ पे ही पोस्ट कर देता हूँ, PNL में आप इसको कैसे दिखाएंगे। आप इसको पहले तो RDD को दिखाएंगे, एंड यू हैव इक्वेशन ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। लिखने से पहले आपको इंश्योर करना है कि इस इक्वेशन का नेट फिगर प्लस में आता है तो डेबिट में आएगा। तो दोस्तों हमारे ओल्ड बैड डेट्स 25,000 के हैं, बहुत बढ़िया, न्यू बैड डेट्स अभी अभी 7,000 के लिए, न्यू RDD 30,000 का लिया, और न्यू ओल्ड RDD 25 का ही है, तो टेंशन नहीं है। तो हमारा काट के ना 37K का नेट आएगा। अब बोलेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चों इसमें ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ, सेम जैसे आप RDD की बात करते हैं, इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग अलग लिखेंगे, टेंशन नहीं है, इसमें ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो आप इसको अलग लिखो तो भी चलेगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड अलग लिखो और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो अभी अभी हमने किया वो अलग लिखो, दोनों जोड़ के लिखेंगे तो भी टेंशन नहीं है। 65 का डिस्काउंट अलाउड है, और अभी अभी हमने 8,400 का नया प्रोविजन, अगर ओल्ड प्रोविजन होता तो माइनस कर देते थे इसमें से। अच्छा, बाकी तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऑल इज़ वेल इन दिस सम। ये भी सम हमारा बच्चों हो गया, देखो कितना पेपर फटाफट फटाफट, इतना इजी पेपर, कंफर्टेबल, मतलब जिसने भी रीजनेबली अच्छा मेहनत किया रहेगा वो तो स्कोर करेगा, और फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बच्चों बूस्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपने मेहनत किया रहेगा। अच्छा, ये आ गया अपना जो प्रॉब्लम है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, बहुत डरा के रखा है मॉड्यूल में, बढ़िया बढ़िया खतरनाक क्वेश्चंस डाल के रखे हैं, बट पेपर में इतना बढ़िया सिंपल क्वेश्चन डाल देते हैं, मज़ा आ जाता है, ठीक है ना, बच्चे डर जाते हैं पार्टनरशिप करके पेपर में, लेकिन मज़ा आ जाता है। अच्छा, PSR अपना बच्चों 3/2 है, क्रिश और बाला, तो नाम सुने हुए हैं, शोभा, शोभा को पार्टनरशिप में लिया 1/6 शेयर, ये आपका रिवैल्यूएशन है, कोई टेंशन नहीं है, 1, 2, 3 रिवैल्यूएशन है। अच्छा, मेन आपके लिए नया चीज़ होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अभी हमारे पास एक रिजर्व पड़ा है और वो रिजर्व है 10,000 का, और ये रिजर्व के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी कितनी है भाई, 8,000 की, समझा कि नहीं। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि आप ये लायबिलिटी को उस रिजर्व में एडजस्ट करो, क्योंकि वो रिजर्व बनाई इसी लायबिलिटी पे करने के लिए, ठीक है ना। तो आप 10 में से 8 एडजस्ट करेंगे, बाकी 2,000 का जो रिजर्व बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे,
PSR में बांट देंगे. दिस इज हाउ वी डील विद द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. दैट इज द ओनली ओनली गुड पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. अच्छा, अब उसके बाद शोभा जी जो हैं वो कैपिटल ला रही हैं 25,000. सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है हमारा गुडविल का. बच्चों, अगर पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो हम पार्टनर गुडविल कैश में लाने की दो एंट्रीज पास करते हैं हमारी इंस्टीट्यूट के दीवी एंट्रीज में. सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू वो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं. शोभा कितना गुडविल लेके आई? शोभा 12,000 का शोभास कैपिटल अकाउंट. फिर हम क्या करते हैं बच्चों, शोभा के कैपिटल से वो गुडविल का पैसा निकाल के हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं. ओल्ड पार्टनर्स हमारे हैं क्रिश कुमार और बाला. बाला बढ़िया सा गाना याद आता है, बाला ओ बाला. चलो, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, ये जो गुडविल बांटते हैं कौन से रेशो में बांटेंगे, वो है सैक्रिफाइजिंग रेशो. अब सैक्रिफाइजिंग रेशो कैसे निकालेंगे? आप देखो यहाँ पे ना ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो आपको दिया 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 नहीं है. तो जब भी खाली ओल्ड रेशो दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइजिंग रेशो है. तो 3 और 2 के रेशो में आप इसको बांट देंगे तो ये हो गया 7,200 4,800. तो ये बच्चों गुडविल का अकाउंटिंग था. बाकी कुछ तो एक सम में मेरे को दिख नहीं रहा है, 12th के लेवल का सम है और कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं. अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे. हमारा अगला जो सम है वो रिटायरमेंट को. अब देखो एक बात है, आप मार्क्स अगर देख लेते हैं हमारे कितने मार्क्स का आए हैं. आप देखो 10 मार्क का एडमिशन आया है, 10 मार्क का रिटायरमेंट आया है. मतलब देखो पार्टनरशिप कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा टॉपिक लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो आप देखेंगे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पीसमील सब कुछ नहीं पूछा है. यस, डिसोल्यूशन पीसमील कुछ भी नहीं है, एडमिशन है और रिटायरमेंट है. मतलब 20 मार्क तो पकड़ के चलो पार्टनरशिप के. हाँ, अब इसमें हम बात करेंगे. इसमें वापस हमारे पास एक और नया फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड होगा, ये नहीं लिखा है. ठीक है, अब ये आप क्या करना पड़ेंगे, ये जो है ना, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं CBSE 12th के बोर्ड के पेपर्स में. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, या फंड जो भी आप बोलो. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस होता है कि आप क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे गिरी तो उसका लॉस इसमें एडजस्ट करेंगे. तो आपको सामने सामने देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का 25,000 का बुक वैल्यू है लेकिन मार्केट वैल्यू 27,600, मतलब ज़्यादा है. कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ना आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे. कौन से? ओल्ड PSR में. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती थी तो वो लॉस इसमें एडजस्ट कर देते हम लोग. क्लियर? इसमें एडजस्टमेंट्स पड़े, कभी कभी रिजर्व को रखने को बोल देता है. नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर एट मार्केट वैल्यू. खत्म, इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा है तो हमारा अकाउंटिंग और आसान हो गया. चलो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ना पहले मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे. मार्केट वैल्यू में लाने का एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इन्वेस्टमेंट में आपका 2,600 का इंक्रीज इन वैल्यू, आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लाके फिर जेड को दे देंगे. सिंपल अकाउंटिंग है. अच्छा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 12,000 का फंड पड़ा है, जरा देखें उसका कोई लायबिलिटी है क्या. 6,000 का लायबिलिटी है. तो आप क्या करेंगे बच्चों, लायबिलिटी 6 का इसमें एडजस्ट करेंगे 12 में, बाकी 6 का रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे ओल्ड PSR में. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. बस यही एक चीज है, मुझे पता है यहीं पे अटकेंगे, पर यही पॉइंट देख के ना बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा होगा, अगर छोड़ा होगा तो. बाकी तो कुछ इसमें दम है नहीं, बाकी तो एकदम सिंपल अकाउंटिंग है. अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया. गुडविल की बात करेंगे तो गुडविल को हम लोग एडजस्ट करते हैं कैपिटल गेन रेशो में, नॉट कैपिटल, गेन रेशो में. तो आपको गेन रेशो निकालना पड़ेगा. देखो पुराना रेशो 3:2:1 है, देखिए नया रेशो दिया है, जेड जा रहा है तो एक्स और वाई विल कंटिन्यू.
नहीं दोस्तों, नया रेशो नहीं दिया तो आसान कर देते हैं चीजें। अगर नया रेशो नहीं दिया है तो पुराना रेशो मतलब 3:2 ही अपना गेन रेशो होगा। तो जो गुडविल है 60,000 का, हम क्या करेंगे इस गुडविल में क्या करेंगे, जेड का शेयर निकालेंगे, जेड बाई का शेयर। बाई जेड जी आपका शेयर बोलो कितना होगा सर, 1/6। 1/6 मतलब कितना होगा, 10,000। ये 10,000 का गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। गेनिंग कौन है भाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई डेबिट करके जेड को गुडविल का 10,000 देंगे। एक्स और वाई क्या रेशो में देंगे सर, गेन रेशो में देंगे। और हम अज्यूम करेंगे पुराना रेशो ही गेन रेशो है, 6,000 और 4,000 रुपये। बहुत बढ़िया, गुडविल की अकाउंटिंग भी सीख ली हमने। अच्छा बच्चों, इसमें ना सेटलमेंट इज ऑल्सो समथिंग गुड टू डिस्कस। इसमें बोला 50% ऑन द स्पॉट दे देंगे सेटल्ड, 50% रिटायरमेंट में दे देंगे, 50% ऑफ द बैलेंस मतलब 100% में 50% ऑन द स्पॉट पे करेंगे, और 50% ऑफ द बैलेंस मतलब 50% का 50% कम्स टू 25% इन वन ईयर, और बाकी 25% बाय बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 months। तो बहुत सिंपल है, आप 50% क्या करेंगे, जेट्स कैपिटल टू बैंक। तो आप, मैं इसकी एंट्री बता देता हूं, जेट्स कैपिटल टू बैंक, समझो जो भी अमाउंट है 100% अमाउंट है, 50% दे दो। अच्छा, और बाकी जो है 25% मतलब बाकी 50% का 50% 25% ये आप लोन में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों बाकी जो अमाउंट बचा उसका एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे। देखो आप बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पे करेंगे, इसका मतलब है जो देने वाला है पैसा वो बिल एक्सेप्ट करेगा। कौन देने वाला है पैसा, फर्म देने वाला है तो बिल्स पेएबल। ये बढ़िया नया पॉइंट है, सोचने सिंपल, आप लॉजिक अप्लाई करेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, पॉइंट नया है बट डिफिकल्ट नहीं है, हमने चीजें ऐसी सीखी हुई हैं तो हम आसानी से इसको बच्चों तोड़ सकते हैं। और ये बनाना है सर, बैलेंस शीट बना लेना, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, सुपर। अच्छा अब आ जाते हैं हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है NPO। NPO की बात करते हैं, इसमें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें क्या देखें, कुछ तो गुमाया है, नहीं लग रहा है कुछ। सब्सक्रिप्शन ये आपका, अच्छा जब भी NPO स्टार्ट होता है तो मैं तो पहले ढूंढता हूँ डू वी हैव एनी ओपनिंग कैपिटल, आंसर इज नो। अच्छा ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट में, मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में, आपने ये दोनों लिखा होगा, मैं लिख सब देता हूँ, पूरा लिखने का सॉल्व नहीं करूँगा बट ओरली सब बताते जाऊँगा, ऐसे ऐसे आपने किया होगा। डोनेशंस, अब डोनेशंस की इन्होंने बात बोली है क्या करना है, आधा कैपिटलाइज करेंगे आधा इनकम एक्सपेंडिचर में लेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है हमारा, सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, ईयर देखो कौन सा है, करंट ईयर 2023 है और करंट ईयर का अरियर्स 1200 है और एडवांस 550 है। और कोई सब्सक्रिप्शन है, नहीं 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 और नहीं, कहीं नहीं और नहीं और नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा ये 2023 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है हमारा 10,000, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस। हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बच्चों 1200 रुपया जोड़ देंगे और एडवांस आपको पता है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कुछ है क्या, नहीं नहीं और कहीं नहीं, क्लोज कर देंगे सब्सक्रिप्शन, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है भाई। एंट्रेंस फीस का क्या बोला है, रेवेन्यू, तो इसको आप पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 है, देखो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट दिया है क्या किधर, नहीं तो चुपचाप इसको इनकम, हाँ है ना, 8%
5 months accrued है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है पहले ले लेंगे, आपको कितना मिला है 100 रुपया मिला है, ठीक है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कितना बोला है 5 महीने का। तो बच्चों पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ढूंढो, किधर भाई तुम इन्वेस्टमेंट, हाँ 6,000 के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो भाई अभी 6,000 की बात करेंगे, 6,000 पे 8% 5 महीने का, नहीं रुको ना यार, 8% 5 महीने का, 5 बाय 12 बरोबर बोल रहा हूँ, 200 रुपया बच्चों अक्रूड है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा 300। और ये जो 200 है इसका सेकंड इफेक्ट आप ले लेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, बहुत अच्छा ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। इनकम इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम बैंक इनकम में ले लो, सेल ऑफ इन न्यूज़पेपर इनकम एक्सपेंडिचर में ले लो भाई, इनकम में ले लो। अच्छा ड्रामा टिकट्स बेचे तो ड्रामा के खर्चे भी होंगे कोई सामने, हाँ तो आपको पता है ड्रामा एक टाइप सेम टाइप का इनकम एक्सपेंस को हम नेट ऑफ करते हैं, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड ड्रामा रिसिप्ट्स 1250 लिखेंगे, लेस ड्रामा एक्सपेंस 500, आउटर कॉलम में नेट ड्रामा इनकम 750, ठीक है ना। फिर आपके एक्सपेंसेस भी देखें, सैलरी रिपेयर नॉर्मल है, फर्नीचर ये बैलेंस शीट में जाएगा, कोई पुराना फर्नीचर है क्या, हाँ, नहीं पुराना कोई फर्नीचर नहीं दिख रहा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई फर्नीचर नहीं, परचेज ऑफ फर्नीचर बैलेंस शीट में ले लो, डेपरी बोला तो डेपरी लगा दो। अच्छा अब बात करते हैं आगे, मिसलेनियस एक्सपेंस 500 पीएनएल में डाल दो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्ट करो, वो अभी आपका आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल में इनकम एक्सपेंस में डालो, उसमें कुछ तो आउटस्टैंडिंग, अरे इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया है, नहीं होता है यार, चलो ठीक है दिया है तो दिए। बिलियर्ड टेबल, अब बिलियर्ड टेबल का पेमेंट 10 दिखा रहे, इसमें एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, आप 30,000 का टेबल खरीदा है लास्ट ईयर, ये बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, पुराना क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, बिलियर्ड टेबल 30,000 का लास्ट ईयर खरीदा है। अरे बिलियर्ड टेबल मालूम है ना, जो पूल गेम नहीं खेलते हैं उसको ही बोलते हैं, मैं इधर उसका दिखा देता हूँ, आप देखो इसको कैसे दिखाया जाएगा बच्चों, आप इसको ना ओपनिंग बैलेंस शीट में टेबल दिखाएंगे, क्योंकि खरीदा कभी भाई लास्ट ईयर खरीदा, कितने में खरीदा भाई 30,000 में खरीदा, लेकिन इसमें ना एक और चीज़ बोली है, आपने 30 में खरीदा लेकिन उस टाइम पे आपने 20 पे कर दिया था, उस टाइम पे मतलब लास्ट ईयर 10,000 का क्रेडिटर था, तो हमने यहाँ पे लास्ट ईयर क्रेडिटर फॉर टेबल, टेबल के क्रेडिटर कितने हैं 10,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसा आप लिखेंगे। हाँ और आप इस साल इसको कनेक्ट करो, बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा, देखो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, ये जो पिछले साल का 10,000 आउटस्टैंडिंग था इस साल के पेमेंट में आ गया, बहुत बढ़िया अति उत्तम, बस आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपका टेबल अभी इस साल की बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, बट वो 10 का जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था इस साल पेमेंट हो गया, उसका कुछ करना मत, बस वो लाइबिलिटी क्लियर हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी नहीं आएगा। और बिलियर्ड टेबल ओपनिंग में भी 30,000 आएगा, क्योंकि पिछले साल ही खरीदा था, इस साल भी 30,000 आएगा, अगर डेपरी है वो लगा दो, नहीं तो 30 का 30 दिखा दो, कोई डेपरी नहीं है, बढ़िया खत्म, इट्स ऑल डन। अरे ये जो अपना क्वेश्चन 5 है, ये तो अपना इन्वेंट्री का मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जितनी बार भी अपना बच्चों का डाउट सेशन रहता है, ये क्वेश्चन तो डाउट में रहता ही रहता है, तो इतनी बार आपने पूछ लिया तो आपको तो याद ही रहेगा बच्चों। पहली बात तो आपका ये फॉरवर्ड रिकन्सिलेशन है, 23 जून का स्टॉक दिया है आपको, 30 जून का स्टॉक निकालना है। सबसे पहले हम हमेशा क्वेश्चन का एंड में पढ़ते हैं कि हमें ये जो स्टॉक निकालना है ये फिजिकल स्टॉक की ओन्ड स्टॉक निकालना है, अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं, अगर नहीं लिखा तो हमेशा हम कौन सा स्टॉक निकालेंगे बच्चों, ओन्ड स्टॉक निकालेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसमें आप फॉरवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड हाँ, अब आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट वर्थ, मतलब आप क्या करेंगे 23 के स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, विच इज 4,80,000 फॉरवर्ड जाएंगे, और
कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर 24,000 वर अनसोल्ड। बच्चों ये गुड्स अनसोल्ड हैं, कंसाइनमेंट मतलब एजेंट को हमने दिए हैं बेचने को, एजेंट बेच नहीं पाया तो ये अनसोल्ड पड़े हैं। तो ये हमारे हैं क्योंकि 30 जून को इसका ओनरशिप हमारा है, तो हम हमारे स्टॉक में इसको ऐड कर देंगे। हाँ, अब आपने इस 7 दिन में 23 के बाद 30 जून तक कितने का परचेस किया, 40 का, एंड 16 के गुड्स जुलाई में रिसीव हुए। देखो आप ओनरशिप की बात करते हैं तो आप गुड्स मिले कि नहीं मिले वो मत देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट परचेस जो किया वो आपका हो गया, जोड़ दो। तो बच्चों 40 का परचेस हम जोड़ देंगे, इसका ओनरशिप आया, इसका ओनरशिप आया, आया ओनरशिप तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा अब बात करते हैं तीसरा एंड द चौथा एडजस्टमेंट जो सेल से कनेक्टेड है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, इसको हम जरा एक पेज ऐड करते हैं। किधर ऐड करें भाई? हाँ इधर ऐड करना चाहिए, ऐड पेज, बराबर हुआ जगह? हाँ जी, अब जाओ। हाँ अब देखो ना, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे 136 का टोटल सेल्स है, सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मैं इसको तोड़ के दे देता हूँ। इसमें आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे 32,000 का सेल किया है और आपने इसमें कुछ नॉर्मल सेल किया है, अब नॉर्मल पहले लिख देता हूँ, आपने कुछ अब नॉर्मल सेल किया है, अब नॉर्मल खराब स्टॉक सेल किया है और बाकी नॉर्मल सेल है। अच्छा आपने 136 में 32 का सेल और रिटर्न वाला सेल किया है और चौथा एडजस्टमेंट बोलता है कि गुड्स कॉस्टिंग 24 हैव बीन सोल्ड फॉर, गुड्स कॉस्टिंग 24 हैव बीन सोल्ड फॉर 12,000। ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, 12,000 में बेचा, तो मतलब ये अबनॉर्मल सेल है 12,000 का, कितने का, 12,000 का। अच्छा एक सिंपल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, टोटल 136 का सेल में सेल और रिटर्न 32 अलग कर दो, माइनस अबनॉर्मल सेल अलग कर दो 12 का, तो बाकी नॉर्मल सेल कितना हो गया बच्चों, 92 का हो गया। अच्छा इस सेल और रिटर्न में क्या हो गया, आधा स्टॉक रिटर्न आ गया, आधा स्टॉक के बारे में नहीं मालूम है, तो जो भी नहीं मालूम है हम उसको बोलते हैं पेंडिंग अप्रूवल। क्या बोलते हैं, पेंडिंग अप्रूवल। लिखा है अब ध्यान से देखो, गुड्स रिटर्न बिफोर हाफ रिटर्न बिफोर 30 जून, नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब वो अभी तक रिटर्न नहीं आया, अप्रूव भी नहीं हुआ, पेंडिंग अप्रूवल मानेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब दोस्तों इसको कैसे डील करेंगे हम, इसको ना हमारा एक टेक्निक से डील करेंगे। अब एक सिंपल बात है, ये जो भी स्टॉक है ये 23 के बाद गया है, मतलब ये सब स्टॉक 23 को हमारे स्टॉक में इंक्लूड है, मतलब जो 4,80,000 का 23 का स्टॉक है उसमें ये सब इंक्लूड है। अब ये देखना है कि 30 जून को ये हमारा है कि नहीं। अब दोस्तों जो सेल और रिटर्न वाला स्टॉक है, पहला आधा वापस आ गया मतलब ये हमारा ही है, और जो वापस नहीं आया कस्टमर के पास है वो भी हमारा ही है क्योंकि अभी तक उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो ये भी हमारा है। और ये जो बाकी दो स्टॉक्स हैं एबनॉर्मल सेल और नॉर्मल सेल, ये सेल हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो 30 जून को ये स्टॉक हमारा नहीं है। अब बहुत सिंपल है, अगर 23 में इंक्लूड है और 30 में भी उसको दिखाना है तो दोस्तों कुछ ऐड लेस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 23 में इंक्लूड है, 30 में भी हमारा ही है, इंक्लूड ही है ना, तो क्यों ऐड करें वापस। हाँ हमारा है बट ऑलरेडी 23 में इंक्लूड है, तो सेम वे यहाँ पे भी हम बच्चों नो इफेक्ट लेंगे। अब जो आईसीआई का आंसर देखेंगे वो क्या करते हैं ना, ऐड करके ले या लेस करके ऐड बैक करते हैं, सीधा नो इफेक्ट है यार। सिंपल लॉजिक बताता हूँ, सेल ही नहीं हुआ, अरे सेल हुआ तो लेस करेंगे, ये दोनों स्टॉक सेल ही नहीं हुआ, लेस क्यों करेंगे बच्चों, फाइन सुपर, और ये दोनों लेस कर देंगे। अच्छा ये कॉस्ट प्राइस पे लेस करेंगे, इसकी कॉस्ट है 24, तो ये 24,000 लेस करेंगे। अच्छा इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, और हमारा मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट, तो हम 92,000 इंटू 20% माइनस करेंगे, उसमें से 80% ले लूँ सीधा,
92,000 इंटू 80% 73,600 का इसका क्या है कॉस्ट, तो 73,600 क्या करेंगे लेस, मतलब दोनों मिला के आप 73,600 मतलब 97,600 क्या करेंगे बच्चों लेस कर देंगे, क्या कर देंगे लेस कर देंगे। बहुत अच्छा, तो ये आपका हो गया इन्वेंट्री का। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, प्रोसीड विल फास्ट, प्रोसीड फास्ट। ये दोस्तों ये भी अपना बहुत बढ़िया सम है, बहुत बढ़िया क्लास में किया हुआ है ये सम हमने। ये चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, लेकिन इट इज़ फ्रॉम WDV टू स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, दो मिनट की कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर खरीदा 2 लाख में पहला वाला, 1/4/20 को, फिर 1/4/21 को दूसरा, फिर 1/4/23 को तीसरा, और मेथड कभी चेंज किया है, डिसाइडेड ऑन 1/4/23, मतलब जब तीसरा कंप्यूटर खरीदा ना इसी साल मेथड बदला है। पहले कौन सा था बच्चों, पहले था अपना SLM, पहले WDV था 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अब बात हमने SLM बोला है, लेकिन SLM में ना परसेंटेज नहीं दिया, SLM में 8 and 6 years दिया होगा ना, हाँ। चार्ज डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल कंप्यूटर्स टू बी 8 years फ्रॉम 1/4/23, ठीक है ना। मतलब क्या करना है इसको, बहुत सिंपल है, बहुत आसान, मैं आपको मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। तीन कंप्यूटर हैं, पहला 1/4/20 को खरीदा, 1/4/21 को खरीदा, 1/4/23 को खरीदा, ठीक है ना। तो आपने इसको 1/4/20 को खरीदा, कितने में खरीदा, मैं जस्ट लिख देता हूं 2 लाख में खरीदा, ठीक है ना। तो आपने इसको डेप्रिसिएशन 20% लगाना है, कितने साल का डेप्री, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, अच्छा आपको प्यार से बढ़िया से लिखना है आपको 20, 21, 21, 22, 22, 23, 3 साल का डेप्री लगाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल का डेप्री लगा के अपने को कितना आता है, अपने कैलकुलेटर में शॉर्टकट -20% -20% -20% एक बार देख लेते हैं, कोई डेट वेट का गेम तो नहीं है, कभी कभी डेट का बड़ा गेम खेलता है इंस्टीट्यूट, तो अपने को संभालना पड़ेगा डेट वेट का। तो हमारा 1,02,400 का 1/4/23 का WDV है, अच्छा ये हमने 1/4/21 को खरीदा है, कितने में खरीदा दूसरा कंप्यूटर भाई, 1.5 लाख में, ये अपने 1.5 लाख में खरीदा, इसको हम 20% 2 बार माइनस करेंगे तो 1/4/23 का WDV आ जाएगा 1.5 लाख -20% -20%, तो ये आ गया 96,000। और ये तीसरा कंप्यूटर तो अभी खरीदा, तो इसमें तो कोई डेप्री नहीं, सीधा अभी इसी साल डेप्री लगेगा 1 लाख, अच्छा। अब आपको क्या बोलता है, 1/4/23 को आप मेथड ऑफ डेप्री बदल दो भाई, लेकिन अब SLM में क्या बोला ये सब कंप्यूटर बाकी और 8 साल चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपके तीनों कंप्यूटर का बैलेंस है जोड़ दो, डिवाइड बाय 8 करो, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा आफ्टर चेंज इन मेथड, बहुत आसान कर दिया। जो क्वेश्चन हमारा था उल्टा हुआ थोड़ा डिफिकल्ट था, पुराने कंप्यूटर का 6 साल बोल रहा था, नए कंप्यूटर का 8 बोला था, लेकिन ये तो आसान कर दिया, तीनों मिला के आपका 298,400 है, और ये 8 साल की लाइफ के हिसाब से डिवाइड बाय 8 कर देंगे बच्चों, तो आपकी डेप्रिसिएशन 37,300। दोस्तों जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आई विल से EOE, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, मतलब मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रैंडमली पेपर सामने अभी मिला, अभी लेके अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि नहीं हो, बट स्टिल हो जाए तो संभाल लेना भाई, कॉन्सेप्चुअल एरर कभी नहीं होगा, बट कैलकुलेशन तो संभाल लेना भाई, हाँ। तो ये अपना हो गया, इसमें क्या कंप्यूटर अकाउंट बना दो, खत्म स्टोरी, कोई है ही नहीं दम, अच्छा। अब ये आ गया भाई सिंगल एंट्री, अब इसमें ना बहुत छोटा सा सम दे दिया 5 मार्क के लिए दोस्तों, अब अच्छा और में दिया है डेप्रिसिएशन के, और में दिया है, क्या बात है, ठीक है।
तो डेप्रिसिएशन भी आसान है, सिंगल एंट्री भी आसान है। और बच्चों आप देखेंगे इसमें कुछ है नहीं, डेटर्स अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट बना लो, 5 मार्क्स हथिया लो, मैं बना के दे देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हैं। बहुत ही आसान सा, आपको इसमें आप देखेंगे पूछा क्या है। उम्मीद है कि आप जब बैठे हैं तो क्वेश्चन रीड करके बैठे हैं, मैं भी रीड करके बैठा हूँ, 2 मिनट रीड करने में मतलब अच्छे से रीड किया एक बार पेपर, मज़ा आ रहा था रीड करने में। सीए इंटर का पेपर कल हुआ था, कल मेरा लेक्चर्स थे बहुत सारे, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो फॉर सीए इंटर अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स। मैं अभी एक दो दिन में उसका वीडियो भी एक बार पेपर को पूरा सॉल्व करके, एटलीस्ट आई विल नॉट गो इन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट, आई विल गेट इन टू दी प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, ये सो कंसॉलिडेशन, ये सब अमलगमेशन की हम बातें करेंगे। वो भी मैं रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करके दे दूंगा, आपके सी एंटर के फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, उनको देखना है तो। एक और 2 दिन में जैसे टाइम मिलता है आई विल डू इट। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आई नॉर्मली टीच द स्टूडेंट्स ऑफ सी ए फाउंडेशन, सी ए इंटर, सी एम ए फाउंडेशन, सी एम ए इंटर, सी एम ए फाइनल ऑल्सो। सी ए फाइनल भी पढ़ाया था लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है, तो आई ऑल्सो टीच सी बी एस ई स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ सी बी एस ई सुपर्ब, सो आई एम प्लानिंग टू पुट अप सम वीडियोज, रिविजन लेक्चर्स ऑफ सी बी एस ई एज वेल। एंड अगर आपको कोई और वीडियोज और कोई डिफिकल्ट लगता है कॉन्सेप्ट, टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आप जरा फीडबैक देना, बताना, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस कॉन्सेप्ट को एक छोटा सा वीडियो बना के उसको बहुत आसान बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत आसान लगना चाहिए। कोशिश करते हैं, पिछले 23 ईयर्स से टीचिंग में है तो कोशिश करते हैं हम लोग कि हम बच्चों को बहुत आसान से आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, ये हमारा प्रेम जी का जो है डेटर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर। इसमें निकालना क्या है, बैड डेट्स। आपको ना बैड डेट्स नहीं पता, कितने डूब गए वो नहीं मालूम है, कोई टेंशन नहीं, डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर बैड डेट्स निकाल लेंगे, कुछ दिक्कत ही नहीं है। 650 का ओपनिंग डेटर्स है बच्चों, 650, और क्लोजिंग डेटर्स जो है बैलेंस कैरेट डाउन 850, ठीक है। अच्छा इसके बाद बच्चों आपका सेल है 16 लाख रुपए का, उसका 80%, अरे भाई 16 का 80.8, 12,80,000 क्रेडिट सेल है, तो डेटर्स टू सेल्स 12,80,000। अच्छा पेमेंट 7-7.5 लाख मिला है कैश बैंक, 7.5 लाख, उसमें से 18 का डिसऑनर हो गया, तो रिवर्स एंट्री डेटर्स टू बैंक 18,000, रिवर्स एंट्री डिसऑनर ऑफ बिल का, डिसऑनर ऑफ चेक का, ठीक है। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब हमने ड्रॉ किया तो हमारी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू कस्टमर्स, तो बाय बिल्स रिसीवेबल, तो ये हमारा बिल्स रिसीवेबल हो गया 290। अच्छा डिस्काउंट अलाउड 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स हमारा 12,80,000 का 1% है 12,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 12,800। बच्चों बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, आपको आपका बैड डेट्स मिल जाएगा, 650 1280 प्लस 18,000 माइनस 7.5 लाख माइनस 2,90,000 माइनस 12,800 माइनस 8.5 लाख, दोस्तों बैड डेट्स का अमाउंट हो जाएगा 45,200 बाय बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया, वी आर डन विथ दी, देखो ऑलमोस्ट हमारे 5 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चों। तो हमारे आखिरी क्वेश्चन में नंबर 6 नहीं, ये 5C है, 5C, 5C ऑप्शन में है क्या, नहीं। अब हम 5C में क्या देखेंगे, वी हैव रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था एक ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्टडी मटेरियल पूरा स्टडी करेंगे तो उसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। ये क्या है, ये आपका बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है,
रिडम्पशन बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एनुअल ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक जो है ना इंटर टू फाउंडेशन डाउनलोड किया गया है, बट उसमें ऐसे टाइप के सम्स इंस्टीट्यूट ने निकाल दिए हैं, नहीं डाले हैं, बट अभी पेपर में दे दिया है। वही हमको टेंशन होता है कि भाई आपने अगर मॉड्यूल में वो क्वेश्चन स्पेशली नहीं डाले, निकाल दिए हैं, तो पेपर में फिर क्यों, मतलब हमें इंटर का लेवल ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, इनडायरेक्टली वही बात हो गई। हाँ चलो, इसमें क्या लिखा है ये भी मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, मैं आपको ओरल कैलकुलेशंस बता देता हूँ। कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, देखो अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है ना, अब यहाँ पे आपको DRR भी लगेगा और DRR इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। DRR आपको 10% लगेगा और इन्वेस्टमेंट आपको 15% लगेगा, ठीक है ना। आपके 6000 डिबेंचर्स हैं 100 के, तो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आपने इशू किए, तो आपका डिस्काउंट कितना होता है बच्चों, डिस्काउंट होता है 30,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका डिस्काउंट हो गया 30,000 रुपीस। इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन 31st मार्च दे देंगे। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 31st मार्च। मतलब आप जो रिडीम करेंगे हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम करेंगे, 6 लाख में से 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख रिडीम करेंगे, तो आपका क्या रिडम्पशन का एंट्री 1 साल नहीं 3 साल में पास करेंगे, बस और कुछ नहीं है। बट यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने DRR और DRR इन्वेस्टमेंट की कंप्लायंसेस कंप्लीट किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में 2 लाख, अच्छा डिबेंचर 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, 10% 6 लाख का होता है 60,000 रुपया रिडम्पशन प्रीमियम, और आपको पता है रिडम्पशन प्रीमियम हमारा एक लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू भी लॉस है, और ये टोटल लॉस हो गया 90,000 का, ठीक है ना। और हमें ये लॉस फर्स्ट ईयर में ही बुक करना है, मतलब रिडम्पशन का प्रीमियम भी इशू के टाइम बुक करना है 90,000 का दोस्तों। फिर ऐसा केस में आपने सीखा है, अब ये जो 90,000 का लॉस है आप इसको 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। अब कैसे राइट ऑफ करेंगे, मैं लॉस राइट ऑफ करने का आपको पहले यहां पे कैलकुलेशन बताता हूं। लॉस राइट ऑफ करने का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपका 90,000 का लॉस है, आपको कैसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, देखो मैं इसको 3 साल में ही डिवाइड कर देता हूँ, ये 3 साल हो गए हमारा, ये आपका फर्स्ट ईयर एंड 31st मार्च। जरा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इसका, 31st मार्च 2022, ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन में छोड़ा होगा पेपर में। तो यहाँ पे आपके 2 लाख के डिबेंचर रिडीम होंगे, 2 लाख के डिबेंचर, 2 लाख के डिबेंचर, प्लस उसमें आपको 10% प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा रिडम्पशन का, और रिडम्पशन के 3 बार एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। 2.2 लाख का रिडम्पशन का अमाउंट होगा, ठीक है ना, और आपने 10% DRR भी क्रिएट करना पड़ेगा और 15% का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों आप ध्यान देना, आपके फर्स्ट ईयर में, आपके फर्स्ट ईयर में आपके डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 6 लाख रुपया, फिर आपने यहाँ पे 2 लाख रिडीम किया, फिर दूसरे ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 4 लाख, फिर आपने 2 लाख रिडीम किया, फिर तीसरे ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 2 लाख। तो आपको जो ये जो 90,000 का लॉस 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा, 6 लाख 4 लाख एंड 2 लाख। मतलब आपको वो जो 90,000 का लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट, इसको आप पहले सेकंड एंड थर्ड ईयर में 3:2:1 के रेशो में बांट देंगे। 3:1 बोले तो 15 ना, 90/6 करेंगे तो 15, तो इस साल में 15,000 राइट ऑफ करेंगे, 30,000 राइट ऑफ करेंगे, 45,000 राइट ऑफ टू पी एन एल कर। एंट्रीज में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आनी चाहिए बिकॉज ये रिव्यू है, मैं पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो इफ रिक्वायर्ड फॉर एनी क्वेश्चन आई विल कंप्लीट एंड पुट इट ऑन माय चैनल, मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे अगर आपको कोई कंप्लीट एंट्रीज के साथ सम टैली करके चाहिए। बट ओवरऑल रिव्यू में बता रहा हूँ, 3 साल में रिडीम करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका है,
वो यहाँ पे आप बुक करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, पे करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5C. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छी बात क्या है, ए अच्छा था. ए क्या था? ए अच्छा था भाई. ए किधर गए तुम? ए तुम ए किधर गए? हाँ, 5A में ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का ही सम था, इजी था. बी भी अच्छा था, कोई टेंशन नहीं. और बी में तो इन्होंने दो ऑप्शन दिए थे, अब इन्होंने बाउंसर डाला सी में. एंड 10 मार्क का है ये, 10 मार्क का है. वो 5-5 के थे. इसका मतलब है इन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 10 मार्क का रिस्क है. ये आपने बच्चों ने सीखा ही नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ये 3 साल में रिडम्पशन है अपना. मॉड्यूल में ऐसे सम्स नहीं दिए गए. चलो देखिए ना, ये नया मॉड्यूल है, नया टॉपिक्स है, तो हम नॉर्मली मॉड्यूल के लेवल के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना. अब आगे बढ़ेंगे. अगला सम अपना कौन सा सम है भाई? ये तो अपना इश्यू ऑफ शेयर्स का सम है, 15 मार्क्स के लिए आ रहा है. लास्ट टाइम भी 15 मार्क्स के लिए आया था. नॉर्मल सम है, प्रो रेटा वाला. अच्छा, पी लिमिटेड इशू 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 per share. 2 रुपया प्रीमियम है. पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम बैलेंस, 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट. तो हम लोग अगर इसको तोड़ के रखेंगे, मैं जरा इसको नीचे ले लेता हूँ. अप्लीकेशन हमारा कितना है? 3. अलॉटमेंट जो हमारा है वो है 3 + 2, ये हो गया 6 रुपया. फर्स्ट कॉल हमारा, सेकंड कॉल, बाकी बोला इक्वली, तो ये 2 और 2 हो जाएगा. टोटल 10 और 2 का प्रीमियम आ जाएगा. चलो बहुत अच्छा, ये तो तोड़ दिया हमने इसको. अप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 8 लाख, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है. प्रो रेटा मतलब आपने प्रो रेटा मतलब 8:6, मतलब 4:3 का रेशो में आपने अलॉटमेंट कर दिया बच्चों. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, बहुत अच्छी बात है. हरीश टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे बोथ द कॉल्स, बच गए. अगर ये अलॉटमेंट नहीं दिया होता था ना, तो मज़ा आ जाता था, क्योंकि प्रोरेटा में अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो ही मज़ा आता है. कॉल नहीं दिया मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बहुत ही आसान सा समय. सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, तो बहुत बढ़िया है. तो सिंपल मैं फटाफट इसकी एंट्रीज बताते जाऊँगा. आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट. आपने 8 लाख शेयर का 3 के हिसाब से 24 लाख का अप्लीकेशन मनी आया. फिर आपने क्या किया बच्चों, एप्लीकेशन में से 24 लाख की एप्लीकेशन में से 6 लाख शेयर 3 के हिसाब से 18 लाख कैपिटल में डाल दिया. और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है प्रो रेटा अलॉटमेंट में, मोस्टली अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना. फिर तीसरा एंट्री में आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करेंगे. शेयर अलॉटमेंट आप मांगेंगे पैसा, नाउ आपको 5 रुपया मांगना है, लेकिन अभी कितने? 6 लाख शेयर्स पे मांगेंगे 5 के हिसाब से, मतलब आप 30 लाख रुपया मांगेंगे. और उस 30 लाख में कैपिटल में 3 जाएगा 18 लाख, और बाकी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा 12 लाख रुपया. और बच्चों हमें अलॉटमेंट मनी मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब देखो आपको 30 लाख रुपया लेना है, बट आप ध्यान देना 30 लाख में आपको 6 लाख रुपया एप्लीकेशन का पड़ा है एक्सेस, वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया. तो आप नेट उनसे कितना मांगेंगे भाई? 24 लाख रुपये उनसे मांगेंगे. बहुत बढ़िया, हो गया, टेंशन ही नहीं है. अब आपका कॉल मनी आपको ड्यू करना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 6 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपया, ठीक है ना. अब आप कॉल मनी रिसीव करेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, बट आपको कुछ कॉल्स का पैसा नहीं मिला तो आप कॉल्स इन अरियर्स में डाल देंगे. किसने कॉल का पैसा नहीं दिया? 1600 शेयर का नहीं मिला, इतना ध्यान. हरीश ने नहीं दिया, दोनों कॉल नहीं दिए 2 रुपए के हिसाब से, मतलब हरीश ने फर्स्ट कॉल में 3200 नहीं दिया. तो दोस्तों 12 लाख में 3200 छोड़ के बाकी ले लो पैसा, जो भी आया अमाउंट आप ले लो. और सातवीं एंट्री में आप सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल, अगेन सेम, सेकंड कॉल कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि सेकंड कॉल का अमाउंट भी सेम है, कलेक्शन भी कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि उसी शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है ना.
तो खाली सेकंड वर्ड लिखा, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही होगा, और बाकी पैसा जो आया 11 लाख रुपया, जो भी 11,96,800 ले लो, 11,96,800, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। फॉरफीचर 1600 शेयर का करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम प्रीमियम को हाथ नहीं लगाएंगे, प्रीमियम क्योंकि मिल चुका है, तो प्रीमियम मिलता है तो हम उसको कैंसिल नहीं करते। टू कॉल सिनेरियोस, अच्छा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बच्चों हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा भाई, 1600 शेयर हैं, 10 के हिसाब से 16,000 रुपये हो गए। अब 16,000 में 3,200, मतलब 6,400 नहीं मिला, तो 16,000 में अगर आपको 6,400 नहीं मिला तो आपको बाकी कितना मिला, 9,600, और 9,600 इज़ डन एंड योर क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, योर पेपर इज ऑल्सो डन। आपको पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री का डिफरेंशिएट पूछा, आपको पता है पीरियोडिक में हम रिकॉर्ड नहीं बनाते, परपेचुअल में हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इसके ऊपर अच्छा सा आपने थियरी मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है, 5 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 13 सितंबर 2024 का अकाउंट सीए फाउंडेशन का पेपर का रिव्यू। प्लीज़ आप कमेंट करिएगा आपको रिव्यू कैसा लगा, और या किसी सम आप पूरा डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप बताइए, तो फटाफट हम उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। चलो फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।